हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोलू जी टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आई मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर जो न्यू वर्जन का अपडेट आया उसके बारे में। आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, और इसके अलावा इस नए अपडेट के अंदर आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, उसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप एक वीवो के यूजर्स हैं तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ आई मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर जो न्यू वर्जन का अपडेट आया है। तो ये वीडियो सिर्फ वीवो यूजर्स के लिए ही है होने वाली है, क्योंकि उन्हीं के फ़ोन के अंदर आई मैनेजर एप्लीकेशन वीवो के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके अंदर आ चुका है न्यू वर्जन का अपडेट, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे कमाल के नए नए फीचर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है ओवरऑल, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और इस वीडियो को आप कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, वरना आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जानना भूल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सारे फीचर के बारे में बताता हूँ। तो इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए देखते हैं आई मैनेजर के अंदर जो न्यू वर्जन का अपडेट आया है उसको। तो उसके लिए यहाँ पर आई मैनेजर एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन करता हूँ। एंड देन आपको उसके बाद ऊपर के साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद नीचे में, सबसे नीचे में आप देखेंगे तो आई मैनेजर वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़िलहाल जो हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है वो है 6.3.2.2 वर्जन है। तो ये अभी इंस्टॉल है, और जो लेटेस्ट वर्जन आया है तो उसे मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई मैनेजर वर्जन का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो है 7.0.1.3, और जो हमारा ओल्ड वर्जन है वो है 6.3.2.2। और इसकी जो साइज़ होने वाली है नए वर्जन की, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो न्यू वर्जन है वो है 7.0.1.3, एंड इसकी जो साइज होने वाली 46 MB। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि होम पेज जो है उसको और भी ज़्यादा डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा जो भी है इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे आपको टूल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर को ऐड किया गया है, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लीनअप का। तो आपके फ़ोन में आपको क्लीनअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन आपके फ़ोन के अंदर जो भी डस्ट है उन सबको क्लीन करता रहेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेस क्लीनअप का जो फीचर है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। सब नए नए फीचर इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक टेस्टिंग का ऑप्शन इसमें इसके अंदर फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके अंदर नया फीचर आया है। तो ये ऑटोमेटिक ये सारे फीचर वर्क करेंगे, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिक्योरिटी टेस्ट का फीचर इसके अंदर ऐड किया गया। तो ये सारे नए नए फीचर हैं जो कि इसके अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, जो कि आपको डेफिनेटली अपने आई मैनेजर को अपडेट करना चाहिए अपने फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आप इसे अपडेट कर लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी। और तो चलिए मैं आपको यहाँ से इसे अपडेट करता हूँ यहाँ पे। तो अपडेट नाउ पर करते हैं क्लिक, एंड देन यहाँ पे करते हैं अलाउ, एंड देख सकते हैं इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो इसको मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे फ़ोन के अंदर ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है न्यू वर्जन। तो अभी हमको सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हमको इसको करना है ऑन, देन आपको यहाँ पे बैक हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा नीचे में इंस्टॉल, तो आपको उस पर क्लिक करना है। एंड देन आपके फ़ोन के अंदर आई मैनेजर जो है वो अपडेट हो जाएगा, और ये जो नया वाला वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ, इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो इंस्टॉल होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट कर लेते हैं तब तक, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है न्यू वर्जन। तो अभी ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख सकते हैं ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। डन पे मैं क्लिक करता हूँ,
देन देख सकते हैं पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। एंड देन अपडेट होने के बाद मैंने जैसे इसे ओपन किया तो ये लुक आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ से फिर से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया सब कुछ। एंड देन अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ ये जो इसका वर्जन है, तो उसके लिए चलते हैं सेटिंग पे। एंड देन आपको यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, या अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वर्जन है वो है 7.0.1.3। तो ये न्यू वर्जन जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में ही बताया था। तो वो सभी फ़ीचर आपको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और वो सभी फ़ीचर इसके अंदर एक्टिव हो चुके हैं। देन आप अगर आप आई मैनेजर से अपने फ़ोन को क्लियर नहीं करते हो तो भी आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा है ये अपडेट। अगर आपने अपडेट नहीं किया अपने आई मैनेजर को तो जल्दी से अपडेट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आपका फ्रेंड भी एक वीवो फोन यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।